ना दो सौ सोलह फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी तो ये कौन सा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी टू बी नॉगरेटेड इन तेलंगाना तो कहाँ पे होगा तेलंगाना में इनागरेट होगा पाँच फरवरी को सो दिस इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी दो सौ सोलह फीट बड़ा तो ये स्टैचू है रामानिजा चार्य दिस स्टैचू ऑफ रामजा इन हैदराबाद तेलंगाना इट इज़ डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड तो एक हजार साल हो गए इनको पैदा हुए तो टूट टू मार्ग द बर्थ ऑफ हिंदू रिफॉर्मिस्ट का नाम है रामाज रामानुजाचार्य से होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एट शमशाबाद सो दो सौ सोलह फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी टू बी इनागरेटेड इन तेलंगाना फैफ फाइव सो रामानुजाचार्य के लिए बना है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद तेलंगाना सो रामानुजा इनको रामानुजाचार्य भी बोलते हैं ये इंडियन फिलासफ़र थे हिंदू थियोलॉजी थियोलॉजी सोशल रिफॉर्मर Important एक्सपोनेंट थे तो श्री वैष्णोविज्म ट्रेडिशन किस वैष्णव विष्णु को पूजे थे किसके थे हि वॉज अ प्रोमिनंट एक्सपोनेंट ऑफ द श्री वैष्णोविजम ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज़म फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ डिवोश डिवोशनलिजम इन्होंने फाइंड किया था डिवोशनलिज्म भक्ति एंड इन एंड वर इन्फ्लुएंशियल टू भक्ति मूवमेंट तो काफ़ी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था भक्ति मूवमेंट के नाम ब्राह्मण कब थे दैट इज वन ज़ीरो वन सेवन श्री पेरमबंदूर इनके पैदा हुए थे श्री पर परम्बदूर से तमिलनाडु में ये बर्थ प्लेस है रामानुज का रामानुजाचार्य का श्री पेम्बदूर यहाँ पे इनकी बर्थ हुआ था रामानुजाचार्य का वन ज़ीरो वन सेवन के अराउंड सो रामजाचार्य 11th सेंचुरी भक्ति सेंट थे उनका बर्थ हुआ था, था इन श्री पेमदूर तमिलनाडु सो रामाणा ने कुछ इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है भाष्य भाष्य ऑन ब्रह्मसूत्र भाष्य ऑन द ब्रह्मसूत्र एण्ड गीता संस्कृत लिखी है इन्होंने so, तो रामजा इन्होंने कुछ इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट लिखे तो भाष्या ऑन ब्रह्मसूत्र गीता भगवदगीता चीफ प्रोपोनेंट थे ऑफ द विशिष्ट अद्वैत तो जानते थे विशिष्ट अद्वैत सो वॉट इज विशिष्ट अद्वैत इट इज़ अ नॉन डुअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता फिलासफी इज नॉन डुअलिज्म ऑफ द क्वालिफाइड होल सी मिस्ट रिमेंबर इनकी फिलासफी थी थी विशिष्ट अद्वैत की इनकी फिलासफी थी विशिष्ट अद्वैत तो रामुज चीफ प्रपोनेंट थे वैश विशिष्ट अद्वैत के एंड रामनुजन ने खुद खुद इन्फ्लुएंशियल टेस्ट लिखे जैसे भाष्य लिखा है ब्रह्मसूत्र पर लिखा है भाषा तो ये रामुजा का है ये टेक्स्ट भाष्य ऑन ब्रह्मसूत्र इनकी विशिष्ट अद्वैता क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म फिलोसफी कंपीट करती थी विद अद्वैत जैसे थीस्टिक डुअलिज्म फिलोसफी ये किसकी थी माधवचार्य की तो डुअलिज्म जो थी हमारी माधवचार्य की थी एंड अद्वैत नॉन डुअलिज्म ये यदि आदिजा शंकराचार्य तो एक नॉन एक है हमारी क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म एक, हमारी एक हमारी नौन -दुलिस्म। नौन -दुलिस्म है हमारी थीस्टिक डुअलिज्म एक है हमारी नॉन डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म है हमारी आदि शंकराचार्य की थीस्टिक थीस्टिक डुअलिज्म है माधवचार्य की एंड नॉन क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म है हमारी माधवचार्य की ये हमारी राम रामानुज की रामुजाचार्य की तो राम रावणुचार्य की है क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म माधव की है द्वैता और थीस्टिक डुअलिज्म और अद्वैत नॉन डुअलिज्म है हमारी शंकराचार्य की विशिष्ट अद्वैत किसकी हमारी रामुराचार्य की विशिष्ट अद्वैत अद्वैत शंकराचार्य एंड द्वैत है हमारी माधवचार्य की